पढ़ेंगे और अब मिड कैप में फंडामेंटल लिहाज से मौके कहाँ दिखाई दे रहे हैं ये बताने के लिए हमारे साथ प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर से राघवेंद्र केड़िया जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र थैंक यू सो मच इटीना और स्वदेश को समय देने के लिए। आपकी नज़र कहाँ है, कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको मिड कैप स्पेस में? गुड आफ्टरनून पूजा जी, गुड आफ्टरनून एटीन आवर्स स्वदेश का टीम। मिड कैप में फंडामेंटल साइड पे हमारा पहला पिक रहेगा कर्नाटका बैंक। करंटली ये 245 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है इसका एक साल का लक्ष्य 500 का रहेगा, जो कि 100% अपसाइड है। कंपनी का फुल ईयर ईपीएस 50 का आ रहा है अर्निंग पर शेयर, और एक मॉडरेट मल्टीपल अगर इसको देते हैं 10, तो 50 का ईपीएस और 10 का पी मल्टीपल से 500 का टारगेट निकलता है, जो कि एक साल की अवधि में हो सकता है। कंपनी के जो नए एमडी सीईओ आए हैं एस श्री कृष्णन, उनका काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एचडीएफसी बैंक में, जियो बैंक में, तो ये भी एक बड़ा ट्रिगर रहेगा। क्वार्टरली अर्निंग्स पे अगर आप देखेंगे, कर्नाटका बैंक बहुत अच्छे अर्निंग्स आए हैं, 370 का नेट प्रॉफिट, जो कि वाईओवाई बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 200% से ज्यादा अपसाइड है। कंपनी ने काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं, अपसेल, क्रॉस सेल, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सो एक साल की अवधि के लिए फंडामेंटल साइड पे कर्नाटका बैंक 100% अपसाइड, 500 का टारगेट। दूसरा स्टॉक इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस रहेगा। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, और इसका टोटल मार्केट कैप 9000 करोड़ का है, तो ये टेक ओवर कैंडिडेट बनता है। कंपनी ने अपने काफी लोन्स, डेट्स टाइम पे चुकाए हैं, और अभी इसका जो बॉन्ड सब्सक्रिप्शन था वो भी सब्सक्राइब पूरा पूरा हुआ है, तो इससे लगता है जो इसकी रेटिंग्स है वो इम्प्रूव होगी। करंटली डबल ए की है क्रिसिल, इकरा, इन सब से, तो ये एक काफी स्लो एंड स्टेडी मूव रहा है, बट यहां से हमें लगता है 50% अपसाइड, 270 का प्राइस आ सकता है एक साल की अवधि के लिए इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। वर्स्ट इज ओवर फॉर द स्टॉक, और हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में गुड टाइम्स आर अहेड, और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस यहां से आउट परफॉर्म करेगा फंडामेंटल साइड पे एक साल की अवधि के लिए। हम इसे बाय रिकमेंडेशन देते हैं, प्योरली फंडामेंटल मैक्रो ड्रिवन रिकमेंडेशन। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू राघवेंद्र ये रणनीति सुझाने के लिए। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस काफ़ी अच्छा मौका है, इस स्टॉक में 185 के लेवल पर है, एक साल के लिए यहाँ पर निवेश कर सकता है। कर्नाटका बैंक में भी खरीदारी करने की राय।